हेलो दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। ये है फायरबॉल टॉक 2 प्रो स्मार्ट वॉच। इस स्मार्ट वॉच को हमने 1600 के प्राइस रेंज में परचेज किया है। और दोस्तों, इसके अंदर स्मार्ट वॉच के अलावा चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ मैनुअल गाइड्स और वारंटी पेपर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको 3 कार्ड इसमें देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड है। यहाँ पर एक गाना का कार्ड है, गाना एप्लीकेशन का, और दूसरा है बोल्ट प्ले का, और तीसरा यहाँ पर बुक माई शो भाउचर कार्ड देखने को मिलता है। अब ये तीनों कार्ड आप तभी रिडीम कर सकते हैं, आपको सबसे पहले इनका रिव्यू देना होगा स्मार्ट वॉच का जिस एप्लीकेशन से परचेज करते हैं, और स्टार रेटिंग देना होगा। उसके अलावा उसका स्क्रीन शॉट ले करके और इनके वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, तभी ये भाउचर रिडीम हो सकता है। तो दोस्तों, ये है स्मार्ट वॉच, और देख सकते हैं इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा यहाँ पर 1600 के प्राइस रेंज में दिया गया है। यहाँ पर आपको मेटल फ्रेम देखने को मिलता है, और दोस्तों ये राउंड शेप में डिस्प्ले लेकर आता है। 2 बटन आपको इसमें देखने को मिलता है, जहाँ पर एक बैक बटन है। ये जो ऊपर वाला बटन है बैक काम करता है, नीचे वाला बटन स्पोर्ट मोड में ले जाने के लिए है। यहाँ पर आपको एक माइक भी देखने को मिल जाता है, और इधर एक स्पीकर दिया गया है जो कि म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं इस स्मार्ट वॉच में। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, और यहाँ पर आपको सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जो फ्रेम है, सॉरी बॉडी, ये आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है जो कि मैट फिनिश के साथ आता है। तो ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छा है, और ये स्टेप आपको सिलिकॉन देखने को मिलता है। इसका भी क्वालिटी मेरे को अच्छा लगा, और ये 22mm का सिलिकॉन स्टेप है। ये रिमूव भी कर सकते हैं इसको, दूसरा स्टेप भी यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका लुक्स और डिज़ाइन मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इस प्राइस रेंज में काफ़ी बेहतर स्मार्ट वॉच है। चलिए इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इसको स्मार्टफोन से कनेक्ट करना होगा, तो प्ले स्टोर में जा करके आपको DA फिट ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप QR जो है आता है उसको स्कैन करके लॉगिन कर सकते हैं, या फिर रजिस्टर करके। दोस्तों, इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 1.39 इंच का एक HD TFT IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है इसके अंदर, और यहाँ पर 240x240 का पिक्सल डेंसिटी है, और 650 निट्स का इसके में पीक ब्राइटनेस मिल जाता है। तो आउटडोर में यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर कलर्स वगैरह सब कुछ बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो 1500 के हिसाब से डिस्प्ले इसमें बढ़िया मिल रहा है, और राउंड वाले डिस्प्ले है, तो देखने में काफ़ी अच्छा ये स्मार्ट वॉच भी लगता है। और यहाँ पर काफ़ी बेजल्स पतले भी दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ नंबरिंग यहाँ पर दिया गया है वॉच में जो होता है, और वहाँ पर थोड़ा सा पतला बेजल्स देखने को इसमें मिलता है। वहीं दोस्तों, कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर ऊपर से स्वाइप करने पर यहाँ पर शॉर्टकट की आ जाता है, और यहाँ पर ये टावर दिखाई दे रहा है, यानी कि सिम कार्ड का ये कनेक्टेड है या नहीं कॉलिंग के लिए, ये दिए गए हैं। यहाँ पर आपको वेदर भी देखने को मिलता है, और साथ ही यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस, और ये है थिएटर। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन टर्न अप हो जाएगा और ब्राइटनेस डाउन हो जाएगा, और यहाँ से इसको टर्न अप करते हैं तो लाइट ज़्यादा हो जाता है। वहीं यहाँ पर टॉर्च दिए गए हैं, यानी कि फ्लैश लाइट, तो इसको यूज कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए। इसके साथ दोस्तों, यहाँ पर वाइब्रेशन दिया गया है, इसको ऑन कर देते हैं तो ये वाइब्रेट होता है, और यहाँ पर दोस्तों आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं कम बेसी। वहीं दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग दिया गया है, इधर स्वाइप करते हैं तो डायरेक्ट मेन मेन्यू में चले जाएंगे, और कॉल में जाते हैं तो यहाँ पर रिसेंट कॉल, डायल पैड और कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेव करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। सेकंड, यहाँ पर स्लीप दिया गया है, तो यहाँ पर अपना पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं स्लीप का। हार्ट रेट दिया गया है, तो यहाँ पर हार्ट रेट चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं हार्ट रेट कितना बता रहा है अभी, तो यहाँ पर 72 हार्ट रेट दिया है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर स्टेप काउंटिंग, तो यहाँ पर स्टेप में जाते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग दिया है, तो यहाँ पर वॉकिंग के लिए, ये एक्सरसाइज के लिए दिया गया है, और एक्सरसाइज के लिए स्पेशल बटन भी है, यहाँ पर प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट एक्सरसाइज मेन्यू में चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर SPO2 चेक कर सकते हैं, तो ये भी हम चेक कर ले रहे हैं, और यहाँ पर दे रहा है नॉर्मल SPO2 रेंज कितना होता है, 99% से, मतलब 96% से 99% तक, तो 96 बता रहा है मेरा। इसके अलावा यहाँ पर AI वॉइस दिए गए हैं, तो यहाँ से आप AI वॉइस का यूज कर सकते हैं, मतलब स्मार्टफोन को यहाँ से क्लिक करके यूज कर सकते हैं। वेदर है, तो यहाँ पर अपना वेदर चेक कर सकते हैं, आज का, कल का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसके अलावा यहाँ पर शटर, तो यहाँ पर आप कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं,
म्यूजिक प्लेयर यहाँ पर है, तो यहाँ से आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट फिर भी वगैरह वगैरह कर सकते हैं। ब्रेथ दिया है तो यहाँ पर अपना ब्रेथ मतलब सांस लेना और छोड़ना यहाँ पर 8 स्टेप में दिया है, कर सकते हैं। बाकी गेम है तो आप गेम खेल सकते हैं। सेटिंग में जाने पर स्टॉप वॉच अलार्म, यहाँ पर दोस्तों अलार्म किसी काम का नहीं है, ऑन करते हैं तो केवल यहाँ पर अलार्म दिखाई देगा लेकिन यहाँ पर ना साउंड आता है और ना ही वाइब्रेट ये करता है, तो किसी काम का अलार्म यहाँ पर नहीं है। बाकी टाइमर लगा सकते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर मेन्यू दिए गए हैं, तो मेन्यू में यहाँ पर ग्राइड व्यू, लिस्ट व्यू, तो अभी लिस्ट व्यू में हमने देखा, यहाँ पर ग्राइड व्यू चेक कर लेते हैं कैसा है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्राइड व्यू इस तरह से दिया है और इसको ऐसे नचाएंगे तो इस तरह से आता है। मान लीजिए मुझे सेटिंग में जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट सेटिंग आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। बाकी सेटिंग में यहाँ पर और भी कुछ है, मेन्यू के बाद यहाँ पर आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए दे रहा है, उसके अलावा वाइब्रेशन ऑन ऑफ करने का दिया है तो यहाँ पर वाइब्रेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर थिएटर दिया है जो कि हमने शॉर्टकट की में जहाँ पर बताया, थिएटर ऑन करने पर इसका लाइट कम हो जाता है और वाइब्रेशन ऑफ हो जाता है। यहाँ पर रिंग दिया है और यहाँ पर वाइब्रेशन सेट कर सकते हैं, मतलब कि कॉल आएगा तो यहाँ पर रिंग और वाइब्रेशन दोनों होगा, या फिर रिंग करना है या फिर केवल वाइब्रेशन, इस हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर रीसेट दिया है, पावर ऑफ, अबाउट और ऐप दिया है, तो यहाँ पर ऐप डाउनलोड करने के लिए दिया है, यहाँ पर स्कैन करेंगे स्मार्टफोन में तो ऐप डाउनलोड होगा। वही दोस्तों ऊपर स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा मैसेज का, और इसके अलावा इधर स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आज का मतलब जो भी एक्टिविटी किए हैं वो आपको दिखाई देगा, आज कितने घंटे हमने सोया है, 8 घंटे तो दे रहा है यहाँ पर। 2007 से 11 स्टेप चला है हमने और एक्सरसाइज किया है 15 मिनट 49 सेकेंड। बाकी दोस्तों टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पर स्मार्ट वॉच का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर 2, 4, 6 वॉलपेपर दिया है ऑलरेडी, और इसमें से अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। 100+ वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे ऐप सपोर्ट में। इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर खोलने पर आपको हेल्थ स्टेटस दिखाई देगा, सबसे पहले यहाँ पर अपना हेल्थ स्टेटस देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर दूसरे में जाने पर यहाँ पर ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और तीसरे में यहाँ पर पूरा स्मार्ट वॉच का फीचर्स दिया जाएगा। तो यहाँ पर 57% अभी बैटरी चार्ज है, और यहाँ से हम फेस वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं, फेस गैलरी में जा करके हम चेंज कर सकते हैं जितने भी वॉच फेसेस दिए गए हैं इस तरह से। उसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशंस, फाइंड माय डिवाइस, अलार्म, शटर, ये सब एप्लीकेशन दिए गए हैं, अदर फीचर्स अपग्रेड तो ये सब दिए गए हैं। और इसके साथ दोस्तों इसकी UI एक्सपीरियंस की बात की है तो यहाँ पर UI एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ देखने को मेरे को मिला, काफ़ी अच्छा यहाँ पर UI एक्सपीरियंस दिया है और सिंपल यहाँ पर चलाने में ये स्मार्ट वॉच है। दोस्तों हमने 3,500 का नॉइज़ का विजन 3 स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग किया था और उसको भी टेस्ट किया था, इसके जैसा उसका टच एक्सपीरियंस नहीं था, इसमें आपको टच एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा ये स्मार्ट वॉच है और इस रेंज में बेहतर फीचर्स देखने को इसमें मिल रहे हैं। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों बैटरी बैकअप आपको 8 दिन का मिलेगा, और ब्लूटूथ कॉलिंग यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 2 दिन ही जाएगा। और साथ ही दोस्तों यदि बात की जाए इसकी चार्जिंग की तो ये 3 घंटा में फुल हो जाता है 0 to 100%। तो दोस्तों ये स्मार्ट वॉच 1600 के बजट में काफ़ी अच्छा स्मार्ट वॉच बन जाता है। यदि आप इस स्मार्ट वॉच को लेना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये स्मार्ट वॉच आपको कैसा लगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।